इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम स्मृति रस्तोगी एंड आई एम संजीव कुमार। वेलकम टू आवर शो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। जैसा कि हर बार हम लोग आपके साथ एक नया पहलू लेके आते रहते हैं पेट ओनरशिप का, इस बार आप गेस कर सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा डिस्कशन का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे साथ, इन टू द वर्ल्ड ऑफ कैट्स इज व्हाट आई विल से। बट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्मृति आप मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल संजीव, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस शो का आखिरकार मकसद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं इस शो के ज़रिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन बेजुबान साथियों की हम केयर करें, इनको सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव दें, क्योंकि जो इनका लव है वो हमारे लिए सेल्फलेस और अनकंडीशनल है। और जब विंटर्स आते हैं तो ये जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या डूज एंड क्या डोंट्स होते हैं, ये इन पर हमारी खास निगाहें होनी चाहिए, खास हमें समझ होनी चाहिए, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमसे डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विवेक अरोड़ा। डॉक्टर विवेक अरोड़ा वेटनरी डॉक्टर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मिस्टर साकिब पठान, ही इज़ अ फाउंडर एंड प्रेजिडेंट ऑफ फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है पठान साहब। और डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे बुला करके मुझे लगता है कि दर्शकों को एक बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा। और गाइडेंस होती है वो बहुत बेहद ज़रूरी होती है कि हम अपने पेट्स को लेकर के क्या करें क्या ना करें। संजीव, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। फेलाइन हम सेक्टर के बारे में बात करें, हम कैट्स के बारे में बात करें। अच्छा, जब कैट्स के बारे में, जब हम पेटिंग के बारे में बात करते हैं, आप खुद इतने बड़े एक पेट एक्सपर्ट हैं, आप दशकों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ शुरुआत करने से पहले कि डॉग्स या कैट्स, क्योंकि हर किसी के मन में ये एक डाउट रहता है कि किसको पेट करना आसान रहता है। जी जी जी, नहीं देखिए, डेफिनेटली पेट्स हर तरीके के हैं एंड जानवरों के साथ हमको हमेशा वो लगाव एंड प्यार रहता है। डॉग्स प्रेफर्ड पेट्स रहते हैं, लेकिन दीज फोर लेगेड वंडर्स आर सो ब्यूटिफुल टू हैव एंड आई एम श्योर काफ़ी पैशन साकिब का रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। साकिब, आप बताइए, इट्स बीन अ पैशन फॉर यू फॉर क्रेजी अमाउंट ऑफ इयर्स नाउ। या प्लीज, सो टॉकिंग अबाउट मी, आई हैव इनहेरिटेड दिस हॉबी, यू नो आई वॉज बॉर्न विद दिस हॉबी यू कैन से। सो माई मॉम यूज़ टू लव कैट्स, और मुझे तो ये मतलब जैसे जैसे वसीयत में मिली है ऐसा कह सकते हैं। बट जैसा आपका क्वेश्चन था कि कैट्स और डॉग्स, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान में डॉग्स ये हॉबी करीबन 150 साल पुरानी है। ये हॉबी हमें ब्रिटिशर्स देके गए थे, लेकिन कैट्स ये जो हॉबी है ये कंपैरेटिवली नई हॉबी है जो लास्ट 5 ईयर्स में हमें देखने को मिल रही है। एंड कैट्स आर समथिंग विच आर आउट ऑफ, इट्स एन आउटकम ऑफ अर्बनाइजेशन ऑल टुगेदर, कि जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन है ये कन्वीनियंट एनिमल है। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ एनिमल डॉग या कैट में कंपैरेटिवली ये बहुत ही ईजी है या वो हार्ड है, बट इट्स अ कंपेनियन, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे। सो कंपैरेटिवली उनको करना एक बिल्डिंग के अंदर या आपके अपार्टमेंट। आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगी, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त वो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा फोन इन प्रोग्राम है ये, तो हमारा फोन नंबर है 01123097532। आप इस नंबर पर हमें कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें, और जो भी आपके सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं, आप प्लीज हमारे एक्सपर्ट से पूछें। आगे बढ़ने से पहले संजीव, हमारे साथ एक खास मेहमान है, बिल्कुल उनका स्वागत किया जाए। डेफिनेटली, चलिए उनको बुलाया जाए। जब तक कि वो आ रहे
रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि जब हम पेट्स की बात करते हैं, जब हम कैट्स की खासकर बात करते हैं, तो अब जब पैंडमिक का टाइम था, अक्सर लोगों ने कहा इसके बारे में, जो कैट्स थे, जो पेट्स थे, उन्होंने एक पर्पस ऑफ लाइफ दिया। देखिए, हमारे पहले हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे खास मेहमान संजीव जी। बिल्कुल जी, ये बेसिकली एक बंगाल है जी, और इन्हें डिजाइनर कैट्स कहा जाता है जी। ये कैट्स वाइल्ड में नहीं पाई जाती है, बट इंसानों का मकसद ये था कि एक ऐसी कैट बनाई जाए कि जो दिखने के लिए लेपर्ड की तरह हो, लेकिन उसमें वाइल्ड ब्लड ना होते हुए उसमें टेम्परामेंट एक डोमेस्टिकेटेड कैट्स की तरह हो जी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका टेम्परामेंट बहुत ही डोसाइल है, बट दे गिव यू वाइल्ड लुक, एंड द बेस्ट पार्ट इज ही इज कडलिंग एंड ही लव्स टू बी अराउंड ह्यूमंस, बट इनका जो इंस्टिंक्ट है, दे हैव दिस किलर इंस्टिंक्ट, and at the end of the day they are very strong cats and easy to maintain, as compared to Persians, inke baal bhi chote hain, to ye kafi easy to maintain aur sturdy cats hai. Acha, maintenance ki baat ho rahi hai, to doctor sahab se mera sawal tha, main quickly wo sawal le leti hu ki inse behtar कोई पेट नहीं होता, क्योंकि पैंडमिक के टाइम पे जब सबको इतना स्ट्रेस था, अलग अलग तरीके के टेंशन्स थे दिमाग में, तो लोगों ने कहा एक पर्पस ऑफ लाइफ, एक जिंदगी जीने का एक बेहतरीन हमें विकल्प मिल गया। डॉक्टर साहब, सी पहले भी पेट्स को एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे देखा जाता था। जैसा शकीब शुरुआत में बोला, अर्बनाइजेशन के साथ हमने ये रियलाइज़ किया कि लाइफस्टाइल या फैमिली साइज छोटा होता चला जा रहा है, स्पेस कम होता चला जा रहा है, टाइम कम जब होता चला जा रहा है, तो हमें एक ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत है जहाँ आप टाइम स्पेंड कर पाएँ, जो आपके साथ रह पाए, आप घर में आएँ तो आपके पास हो। बेस्ट पार्ट कैट कीपिंग का ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कि आपको दो बार वॉक करवानी है, आपने सुबह शाम कंघी करवानी है, या डायटरी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी हद तक एक लिमिटेड रह जाती है। बड़े शहरों की बात करें, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस दिल्ली मुंबई के हिसाब से बोलूँगा, जब स्पेस कम है, हम एक स्टूडियो टाइप के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बिल्कुल हम एक लाइफस्टाइल ऐसी जी रहे हैं जहाँ सिर्फ मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ, घर में पीछे कोई नहीं है, और लौट के घर अकेला आ जाता हूँ। कैट्स या छोटे डॉग्स, ज़्यादातर कैट्स मेक ए बेटर सेंस आउट ऑफ इट, क्योंकि लोगों को लगता था कि उसके बाद हम किसके साथ टाइम स्पेंड करें। आप जब आपने पैंडेमिक की बात की, तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आपने देखे होंगे जब फोटो बॉम्ब होता था और एक पेट पीछे से चलता हुआ कैट आ गई, या कैट बैकग्राउंड में बैठी हुई है। सो ये इंडिकेट करता है कि लाइफस्टाइल में कितना जुड़ चुके हैं कैट्स आज हमारे साथ, और वो कितना इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं, एंड हम उनसे एसोसिएट करते हैं अब जी। सो दिस इज मोर ऑफ हाउ वी नाउ एसोसिएट विद आवर इकोसिस्टम, ना केवल पेट कीपिंग, इकोसिस्टम के साथ आदमी कितना करीब आ चुका है, ये उस चीज को दर्शाता है। बहुत खूबसूरत बात बताई जी जी जी। मेरे ख्याल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, एंड लोकेश जी हैं छत्तीसगढ़ से। लोकेश जी, आप हमारे को सुन पा रहे हैं? सर, मैं कैट रखा हूं जी, वो हर समय दर्द में रहता है ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, आपने किसी से कंसल्टेशन लिया है कि क्यों दर्द रहता है, क्या वजह है? वही सर, डॉक्टर के पास ले गया था उसको जी जी, वो बोला कि इसके पेट में कुछ दर्द है ऐसे करके। ओके ओके, सो आई गेस वेरी टिपिकल एलिमेंट रहता है कैट्स के साथ में, और ये पेट के दर्द का। डॉक्टर साहब, आप प्लीज बताइए कि ये क्यों होता है और क्या रीजन है, और इसका क्या इलाज कर सकते हो? जेनरिक सवाल हुआ जब मैंने बोला कि मैं रोज सोचता हूँ कि मेरा पेट रो रहा है या बिल्ली रो रही है जी। तो लोकेश जी को मैं तीन चीजों के बारे में से बता दूंगा। पहले प्रॉब्लम, हेयर बॉल्स। एग्जैक्टली, बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं बिल्ली में, क्योंकि बिल्लियां खुद को ग्रूम करती हैं, खुद को लिक करती रहती हैं जी। तो आप इंजेस्ट करके हेयर बॉल, और तब हेयर बॉल की वजह से ऐसा होता है। हेयर बॉल रिमूवल, बहुत सारी दवाइयां आती हैं, खाने ऐसे आते हैं जिससे कि हेयर बॉल आसानी से निकला जा सके। एग्जैक्टली। दूसरा चीज, काफी बार खैर हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई हमारे श्रोता के साथ, UTIs में भी काफ़ी बार एक फीमेल ऐसे सिम्टम दिखाएगी कि वो दर्द में है, जिसके सिम्टम्स होते हैं कि कैट्स एक लिटर बॉक्स में एक तरह की रेत पे जाके पेशाब या स्टूल पास करना पसंद करते हैं, तो जिसका मतलब हुआ कि वो लिटर स्पेस में स्ट्रैंग हो रही है, काफ़ी बार जाके जोर लगा के पेशाब करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट कर रहे हैं उस जगह को काफ़ी बारी। एंड तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जो एक मेडिकल रीजनिंग नहीं होती, वो ये होती है कि आपकी कैट कैस्ट्रेटेड, न्यूटर्ड या स्पेड नहीं है, मतलब उसका बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ है, या उसका प्रजनन ना हो पाए इसका ऑपरेशन नहीं किया गया है। और कैट एक सीजनल पॉलीस्ट्रेस है, मतलब बार बार हीट साइकिल पे आती रहती है, तो भी वो बार बार रोने के सिम्टम्स दिखाएगी, और आपको ये प्रतीत होगा कि जानवर दर्द में है। बिल्कुल। तो ये तीन कारणों को मेन लेके चले, डॉक्टर साहब की राय लें,
अपने पास के और वो आपको अच्छे से। लेकिन जैसा कि आपने बताया आम तौर पे है बॉल जो रहता है वो रीजन रहता है क्योंकि लिक करते रहते हैं अपने आप को। इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कंसल्ट द लोकल वेट। ग्रूमिंग जैसे कि आपने जिक्र किया कि कैच अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं एंड दे आर फंटास्टिक एट दिस जॉब। बट देन अगेन हमारे पास हमारे टीम ने एक बहुत ही अच्छा एक ग्रूमिंग वीडियो तैयार किया है कैट ग्रूमिंग पे। And let's come along and watch this, please. ये लुलु है और ये बहुत रॉयल है और ये सबको घर में वेलकम करती है और सबसे मिलता है। ये लारा है, जब कोई नहीं होता है ये सी इज वेरी ब्रेव, जब कोई आता है सी इज वेरी डरपोक एंड सी विल रन अवे। पर्शियन कैट्स बहुत ही फ्रेंडली होती हैं, इनको ग्रूम करना बहुत आसान है। कैट्स की ग्रूमिंग कर रहे हैं तो सर सबसे ज़्यादा इनके आँखों में आँखों नहीं मिलाना है क्योंकि आँखों में आँख डालेंगे बिल्लियाँ गुस्से करती हैं। टेल का डायरेक्शन भी बताता है कि वो अच्छे मूड में है या गुस्से के मूड में है, एजिटेटेड है, कंफर्ट जोन में होंगे तभी वो अच्छे से ग्रूमिंग कराएंगे खुश होकर, अदरवाइज वो रिएक्ट कर सकते हैं। कैट को मिलाने जा रहे हैं तो जस्ट इंश्योर कि इनके क्लॉज हल्के हल्के ट्रिम हो जाएँ सो दैट कभी भी आपको क्लॉ करें तो आपको हर्ट ना हो। इंश्योर कि कान के अंदर पानी नहीं जाए एंड एक छोटा सा कॉटन का बॉल आप कान के अंदर डाल सकते हैं। जैसे अभी विंटर्स चल रहा है तो गर्म पानी से नहलाएं क्योंकि कैट्स को ठंडा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। शैम्पू जो भी हम यूज़ करें वो कैट फ्रेंडली हो, कोई भी शैम्पू के पार्टिकल्स या शैम्पू रहना जाए बॉडी पे। After that, फिर अच्छे से उसको टॉवल ड्राइंग करें एंड हल्का सा ब्लो ड्रायर लगाएं क्योंकि ड्राइंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अच्छी कोम्ब जो पेट फ्रेंडली हो, ये जैसे ये स्लीकर कोम्ब होती है, इसको आप विद द डायरेक्शन इसको पूरे बॉडी पे कोम्ब करें एंड जस्ट इंश्योर कि पूरा बॉडी अच्छे से कोम्ब हो गया है सो दैट ऑल द डेड हेयर इस ब्रश में वापस आ जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बात नहीं देना चाहिए क्योंकि वो खुद अपने आप को लिख कर करके ग्रूम करते रहते हैं और इनको भी बहुत ज़्यादा बात पसंद नहीं है। पर्शियन कैट एज अ पेट बहुत ही फ्रेंडली एक ब्रीड है जो आप आसानी से इसको अपने पास रख सकते हैं। वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो जैसा आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से इन पर्शियन कैट्स का टेक केयर हो रहा था, ग्रूमिंग हो रहा था, तो बिल्कुल अपने कैट्स को आप लगातार ब्रश करें घर में और जब जब प्रोफेशनल नीड्स पड़े तो आप प्रोफेशनली अप्रोच करें या ग्रूमिंग सलोन या ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स को और लाइकवाइज डॉक्टर्स को। साकिब, आपने इस पर्टिकुलर फील्ड को स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी है इतने समय में एंड उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने एक शेप दिया, जैसे डॉग क्लब्स हैं, कैट क्लब्स नहीं होते थे, तो उस पर आपका काम कैसा रहा है अभी तक? बेसिकली कैट्स के अंदर ये पेडिग्री, एंसेस्ट्रल ट्रैकिंग, पेपर वर्क, कैट का
नस्ल जानना या फिर उसको ओनरशिप सर्टिफिकेट देना, जिसे हम लोग शिजरा कहते हैं या पेडिग्री कहते हैं कि खानदान जिसे बताते हैं, वो नहीं हुआ करता था. सो फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने कैट्स को रजिस्टर किया फर्स्ट जनरेशन. तरह तरह के अलग अलग सिटीज में जाके हमने ओवर 60 सिटीज में जाके ड्राइव्स में कैट रजिस्टर किए, जिसे हम लोग फाउंडेशन कैट्स बोलते हैं. फर्स्ट जनरेशन वर्ल्ड हु स्टार्टेड Doing microchip from day one. देखिए संजीव, ये कितना जबरदस्त काम हो रहा है. मुझे लगता है आधे लोगों को तो इस बारे में मतलब नॉलेज ही नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन पहुंचना. बिल्कुल. इसीलिए मैं लगातार अपने दर्शकों से कहती हूँ कि ये शो एक मुहिम है उन सब लोगों तक पहुंचने के लिए जो पेट्स की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं. कैट्स की बात होती है जहां तक स्पेसिफिकली, तो कौन सी पेट्स बेस्ट होती हैं हमें पेट करने के लिए? किटन्स या कैट्स, अडल्ट कैट्स, किसके साथ आसानी रहती है या किसके साथ क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं? जी देखिए, जैसा एफसीआई के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी बार कन्वेंशंस भी किए, वी हैव डन 95 फिजिकल कन्वेंशंस. तो काफ़ी बार ये भी सवाल आते हैं कि जो एथिक्स है या यू नो राइट वे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करना चाहिए. तो एक कैट को आपके साथ में आपके घर में एक 3 से 4 महीने की जब कैट हो तभी उसे इंट्रोड्यूस किए तो वो बेहतर है, ताकि वो उसके एडल्टहुड में रीच नहीं हुई हो. क्योंकि कैट्स के अंदर, डॉक्टर साहब भी इससे मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ में जाएंगे, कि कैट्स में स्ट्रेस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और ये स्ट्रेस उसको कैट्स के अंदर जो स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना चाहिए, शायद ही कोई एनिमल है जो स्ट्रेस में आने के बाद में इतना एबनॉर्मल बिहेव करता है. और कैट्स उसके प्रॉब्लम्स दिखाएगी नहीं, नेचुरली कैट्स अपने प्रॉब्लम हाइड करती है. तो डायग्नोस्टिकली भी वेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम होता है कि कैट्स को डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आता है. वो दुनिया का सबसे टफ एनिमल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टर, टू डायग्नोस के व्हाट्स रॉन्ग विद द कैट. सो कैट को उस उम्र में लेके आइए और आपके साथ में वो पैशन के साथ में उसे बड़ा कीजिए. एंड यू नो आजकल लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब उन्हें पेट्स बोलते हैं, यू कॉल देम एज कंपेनियंस. सो इट्स लाइक इट्स एन अपॉर्च, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑल टुगेदर. एंड उन्हें अपने साथ में ग्रो कीजिए ताकि वो आपके फैमिली का हिस्सा बने, ना कि आप 1 साल 1.5 साल 2 साल की कैट लेके आए जिसका एडल्ट जिसका जो बचपन है वो किसी और में घर में हुआ है और आपके घर में लेके आ रहे हैं. फ्रीक्वेंटली घर चेंज करना भी, इसे भी स्ट्रेस आता है. सो अगर आप पेट कर रहे हो तो वो आप मेक श्योर करें कि वो उसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी, उसकी लाइफ टाइम रिस्पांसिबिलिटी आप लीजिए. राइट. और अगर आप रेडी नहीं हो रिस्पांसिबिलिटी के लिए तो प्लीज इसे फैंसी चीज के लिए आपके घर में मत लेके आइए. बिल्कुल बिल्कुल. और आपकी बात को शायद आगे बढ़ाते ही हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कंपेनियन एक और हैं. कैट ओनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हम अपने ब्यूटीफुल कंपेनियन को बुलाते हैं. एंड साथ में मेरे ख्याल से हमारे एक कॉलर भी जुड़ना चाह रहे हैं हमारे पास. तो चुंकी फ्रॉम दिल्ली इज देयर, वी विल जस्ट टेक द कॉल. एंड दैट्स द ब्यूटीफुल कैट ओवर हियर. प्लीज आप बताइए अपने इस कैट के बारे में. थैंक यू. और इस ब्रीड के बारे में प्लीज. ये बेसिकली एक एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर है. ये एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर जेनेटिकली पर्शियन से मेल खाती है. पर्शियन और इसमें, जैसे कि ये जो कैट हमने देखी ये एक पर्शियन है. पर्शियन और इसमें बस फर्क इतना है कि इसका लॉन्ग कोट होता है, शॉर्ट कोट होता है जी. ये कैट के लिए ये महज मजेदार कैट है जो आपके साथ में हिल मिलकर रह जाती है और ग्रूम करने के लिए भी काफी इजी है और टेक केयर करने के लिए, क्योंकि इसके लंबे बाल नहीं होते. बिल्कुल. तो और ये मेरे ख्याल से एक किटन है, बच्चा है. हाँ, किटन है. 8 महीने के ऊपर हम एडल्ट कहते हैं कैट्स को जी. सो शी इज स्टिल अ किटन. सो फ्रिस्कीनेस दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल. हाँ, वो चंचलता जिसे आप कहते हैं, चंचलता कि वो दिख रही है. क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं कैट्स, तो उनमें इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो कम हो जाता है. क्या ये बात सही है? देखिए, हम ऑफन इस चीज़ को एक दूसरी स्पीशीज़ के साथ कंपैरिजन में बोलते हैं जी जी. तो हम काफ़ी बार कंपेयर करेंगे कि डॉग शायद आए और पूंछ हिलाए, मेरे पास बैठ गया, कूदने लगा मुझ पे. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स अ डिफरेंट स्पीशीज़, इट्स अ शाई स्पीशीज़. बिल्ली एक काफ़ी शर्मीली तरह की स्पीशीज़ है, उसको ऐसे भी इस तरह का चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है. लेकिन हाँ, उनका अपने तरीके होते हैं आपके साथ एसोसिएट रखने के. आप आए या बैठे हैं तो वो आई और आपके टांगों के साथ ब्रश करके बैठने लगी, आपको सलब पाँव पंजे से अपने प्यार करने लगी, आपसे बात करने लगी. आप काफ़ी बार ये भी नोटिस करेंगे, इनफैक्ट काफ़ी कैट ओनर्स जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो अभी नोटिस करेंगे, वो अगर बैठ के काउच पे टीवी भी देख रहे हैं तो आपकी पेट आके आपके बगल में आके टीवी देखना पसंद करेगी. बिल्कुल. वो भी सो मच सो, और यहाँ इसके काफी डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि जो शो ओनर्स देख रहे होते हैं कैट भी वही शो देखना पसंद करती अच्छा. है, चाहे ओनर घर पे है या नहीं है. देखिए देखिए संजीव, ये बहुत जरूरी है, मिथ बस्टर की हम बात करते हैं, मिथ्स की बात करते हैं, तो मिथ्स के बारे में कुछ संजीव हमें बताइए. बिल्कुल. देखिए, काफी सारी चीजें और स्मृति, काफी गेस्ट्स ने और हमारे जो व्यूअर्स हैं,
ये तारीफ भी करिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट की कि एक काफी सारी अफवाहें और गलत फहमियां जो हैं उसी को बस्ट करते हुए वी हैव अ मिथ बस्टर राइट हियर फॉर यू. Milk is a good treat for cats. False. These are just myths. कार्टून कार्यक्रमों में आपने कैट को दूध पीते खूब देखा होगा. ऐसे में आपने ये भी सोच लिया होगा कि बिल्लियों को दूध बहुत पसंद है. सही मायनों में बिल्लियों को दूध की जरूरत होती ही नहीं. कैट्स आर एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंट. मिल्क में लैक्टोज होता है जो शुगर है और इसे सही से पचाया नहीं जाए तो इंटेस्टाइन में पानी बढ़ा देता है जिससे डायरिया हो जाता है. अगर आपको लगता है कि कैट को दूध से न्यूट्रिशन मिलता है तो ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है. बिल्लियों को एक दिन में 20 से 30 कैलोरी से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है. अगर आप अपनी प्यारी बिल्ली को कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं जिससे वो हेल्दी और फिट रहे तो आप पके हुए मीट और फिश के छोटे छोटे टुकड़े दे सकते हैं. इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने पेट का रख सकते हैं बेहतर ख्याल. मन की बात है जन जन की बात. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात. बहुत इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट था संजीव, है ना, कि आपको ऐसी चीजें पता ही नहीं चलती हैं और इसीलिए ये सेगमेंट हमारी टीम ने क्रिएट किया है मिथ बस्टर. क्या सच है, क्या झूठ है, क्या साइंटिफिकली प्रोवन है, क्या यूं ही अफवाहें, समझना बहुत जरूरी है. डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है, जो बात होती है कि जो कैट हेयर होता है उसको एक एलर्जन माना जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, दो चीज़ों को मैं शुरुआत में क्लियर करना चाहूँगा और ये काफ़ी पुरानी स्टडी है विच वॉज कंडक्टेड मैनी और काफी नेशनल. डॉक्टर, वील कंटिन्यू विद दैट. चुंकी जी फ्रॉम दिल्ली हैज कनेक्टेड बैक विद अस, सो इफ ऑल यू कैन हियर अस प्लीज आपका सवाल. फर्स्ट ऑफ ऑल साकिब पठान को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी फॉर द एफसीआई क्लब इन इंडिया. ही इज टेकिंग ह्यूज स्टेप्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द कैट ब्रीड इन इंडिया. वो बहुत सारे वैक्सीनेशन ड्राइव कराते हैं, कैट शोज करवाते हैं, जिससे बहुत सारी अवेयरनेस आती है. डेफिनेटली डेफिनेटली साकिब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट. लेकिन आपका सवाल आप प्लीज पूछिए ताकि और भी हमारे व्यूअर्स ये सवाल आपके. ये है कि जो एफसीआई क्लब है जी इज गिविंग सर्टिफिकेट टू द ब्रीड, राइट? व्हाट आर आवर थॉट्स प्रोसेस बिहाइंड अवेयरनेस जो हम क्रिएट करेंगे लोगों के माध्यम से? मुझे लगता है बहुत जरूरी है समझना कि अवेयरनेस की जो बात हो रही है, क्योंकि जो साकिब काम कर रहे हैं वो मैंने बोला इंडीड लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है. तो एक ये जो प्लेटफॉर्म है एक कैंपेन की तरह, एक मुहिम की तरह काम कर रहा है. डॉक्टर साहब, वो एलर्जेंस वाला आप फटाफट मुझे वो बता दीजिए, बहुत जरूरी सवाल है. मुझे लगता है लोगों को which grow with pets do not develop allergy or have very less chance of developing an allergy towards pets or towards pet dander or allergens jo bhi aapne bola. Secondly, when specifically to cats, yes, there are known factors ki kuch human beings react kar sakte hain towards any sort of allergen to fur, to dander, even so much so to cat litter or even so much so to cat bedding. Achha. There are ways which you can get rid of it, but unfortunately there is no specific test for me or to, for you to get it done and diagnose ki shayad agar aap a pet lenge to aap react kar sakte hain. हालांकि अनफॉर्चुनेट है अगर आपके घर में एक पेट आता है और आप रिएक्ट करने लग जाते हैं, बट देन देयर आर मेडिसिंस व्हिच टेक केयर ऑफ इट एंड देयर आर वेज इन व्हिच यू कैन टेक केयर ऑफ इट. सनलाइट इज वन वेरी गुड सोर्स. जो व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, अगर उनके पास ऐसा कुछ भी होता है, बेडिंग
कैट लिटर, कैट बॉक्स, उसको रोज धूप भी लगाएंगे तो भी काफी हद तक वो एलर्जेंस को कम देख पाएंगे अपने। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही एक अच्छी बात कही और वो शायद हमारे मिथ बस्टर में एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है कि जो आपने बोला कि कैट्स के साथ में जो या पेट्स के साथ में जो भी लोग बच्चे ग्रो करते हैं वो एलर्जिक एलिमेंट जो है उनका वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है बहुत हद तक। जी 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 जी, ये एक स्टडी भी थी संजीव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस पे डिस्कशन भी किया था, इस पे डिटेल स्टडी भी निकाली थी। तो बहुत बेहतरीन बात आपने बिल्कुल सही कहा, मिथ बस्टर में ये एक बात ऐड हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंह साहब हैं हरियाणा से। मिस्टर सिंह, क्या आप हमारे को सुन पा रहे हैं? आपका आपका सवाल मिस्टर सिंह, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास में एक छोटा बच्चा है सर, बिल्ली का। मैं कहीं ड्राइव करके जा रहा था तो रास्ते में मेरे को पंजे से घायल मिल गया था। जी जी नहीं, आपका जी। सवाल क्या है? उसको मैं लेके आया था, उसके पैर का घाव तो ठीक हो गया है लेकिन जैसे वो पेशाब करता है ना तो उसको पेन होता है सर। अच्छा, और हमने कभी इससे पहले कोई बिल्ली पा जी, उसके पहले आपने बिल्ली पाली नहीं है। डॉक्टर साहब, चोट तो ठीक हो गई है पैर में, हम ये नहीं पूछ पाए कि वो पीछे के पैर में चोट है। कनेक्शन हम यही बना सकते हैं कि पीछे के पैर में शायद चोट है और वो ठीक होने के बावजूद भी वो जब पेशाब पास करता है तो उसको दर्द होता है, तो क्या ये फिर से ही एक एलिमेंट रिलेटेड है टू स्टमक, या आप बताइए प्लीज। वो सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले कहा था, मेल कैट है फीमेल कैट है, मैं इस बारे की जानकारी नहीं है, बट स्ट्रैंग यूरिया या पेशाब करते हुए रोना पेशाब के रास्ते की किसी भी समस्या का रीज़न हो सकता है। यूरेथ्रा से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड, ब्लैडर स्टोन्स, इवन यूटीआईज कैन इन कम अप विथ सच थिंग्स। और हाँ, हम नॉर्मली पेशाब का टेस्ट कर पाना कैट्स में आसान नहीं होता। इनफैक्ट बहुत कम ऐसे कैट लिटर्स निकल आ पाते हैं जिसमें अगर कैट यूरिनेट करे और आप वही का वही कैट का लिटर सैंपल पे दे पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जो कि संजीव मैं सोच रही थी कि पूछना चाहिए कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैट्स में कितना अलग होता है और क्या रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल अटेंशन? देखिए, कैट्स में वैक्सीनेशंस कोर वैक्सीन सिर्फ दो कही जाती हैं, एक होती है मल्टीपल वायरल, एक होती है रेबीज वैक्सीन। मल्टीपल वायरल जो होती है वो तीन बेसिक बीमारियों के लिए या कैट्स की बेसिक रेस्पिरेटरी ट्रैक बीमारी का अगेंस्ट कवर करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज, ऑफकोर्स इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज में क्लमाइडिया, बाकी कंट्रीज में बेबेसिया की वैक्सीन के लिए भी कैट्स के लिए दी गई हैं, लेकिन इंडिया में खाली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और जिसको मल्टीपल वायरल हम बोलते हैं और रेबीज को एक बुनियादी वैक्सीन के तौर पे रखा गया। बिल्कुल। वेरी क्विकली साकिब, हमारा कोई कैच शो होने वाला है ताकि हमारे व्यूअर्स वो कैच शो देख पाए हैं, बहुत क्विकली इसका जवाब दीजिए प्लीज। सर, ये साल में इट इज गोइंग टू बी अ बिजी, वी आर जस्ट होपिंग दैट यू नो कोविड सेटल्स डाउन एज सून एज पॉसिबल। बाकी आप FCI के YouTube और Facebook चैनल के ऊपर कनेक्ट होकर ऑनलाइन शोज देख सकते हैं, बट वी हैव प्लान्स टू गो टू 65 सिटीज दिस ईयर and wow. Karibun 18 international shows will be hosted. Brilliant. That's brilliant. Great work done. Aur usi on that note only, this is time to wrap up this show here. Thank you so much Dr. Vivek, thank you so much Saqib for coming to our show, and thank you so much for being a wonderful host again Sanjeev. Same with you. And hamare viewers se hamari request hai ki hamare program ko leke aapka koi bhi feedback ya suggestion ho humko zarur likhiye. Hamara email address hai bestfriendforeverpets@gmail.com. next hafte आपसे दोबारा मिलते हैं, एंड टिल देन बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। कभी कभी जब गुस्सा होता है ये दोनों जो है आपकी बेडरूम में दे यूज्ड टू यू कैन अंडरस्टैंड। जब हम कैट को ग्रूम कर लेते हैं तो उनको अगर आप कोई एक ट्रीट देते हैं जो कैट का, जैसे स्पेशली जैसे कोई भी तरीके के फिश है उसके पेस्ट आता है कुछ भी, अगर उनको देंगे इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड।